दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2013 में रिलीज हुई फिल्म लॉक के बारे में, जो कि टॉम हार्डी की एक काफी बेहतरीन साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें इवान लॉक नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर अपनी साइट से निकलता हुआ नजर आता है, जो कि वहां का हेड कॉन्ट्रैक्टर होता है। और वो अपनी कार में बैठता है और वहां से आगे बढ़ता है और फिर वहां से वो शिकागो जाने निकलता है। और फिर इवान अपना फोन कार के ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और वो शहर से निकलता है। और फिर वो इसके सफर की शुरुआत होती है और वो शिकागो की ओर आगे बढ़ता है। और फिर वो बेथन नाम की औरत को फोन लगाता है और वो उसे मैसेज भेजता है कि वो 2 घंटों में वहां पर पहुंच जाएगा और वो डॉक्टर को उसका ध्यान रखने कहता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर इवान अपने दोस्त गैरेज से बात करता है, जो कि उसका बॉस भी होता है और वो थोड़ा सा बिजी होता है, तो वो थोड़ी देर बाद फोन करेगा ये बोलता है। और वहां उसे कॉन्क्रीट के बारे में बात करनी है, इसलिए वो जल्दी से वापस फोन करने इवान उसे बोलता है। और फिर इवान अपनी गाड़ी भगाता है और फिर इवान अपने घर पर अपनी वाइफ कैटरीना को फोन लगाता है। और उसके बाद उसके बेटे टॉम से होती है और वो बताता है कि वो लोग गेम देखने के लिए तैयार है, जिसमें उसकी माँ खाना बना रही है और वो टी शर्ट भी पहनने वाली है। और वहाँ इवान को उसकी वाइफ से बात करनी है ये वो बताता है। तब टॉम उसे घर पर आकर बात करने कहता है और वहाँ इवान बताता है कि वो आज घर पर मैच नहीं देखने आ रहा। और वो उसकी माँ को फोन करने कहकर फोन कट कर देता है। और फिर इवान आगे बढ़ता है और फिर वो अपने दोस्त डोनाल्ड को फोन लगाता है, जो कि उसके अंडर काम करता है। और वहाँ इवान उसे एक झटका देने वाला ये बोलता है और फिर वो उसे बताता है कि कल सुबह 6 बजे उसे सब काम संभालना होगा। और डोनाल्ड उसका कारण पूछता है, जिसमें इवान बताता है कि वो एक फैमिली प्रॉब्लम में फंस गया है और सुबह 6 बजे ट्रक्स आने पर उसे सभी पंप्स को तैयार रखने कहता है, जिससे वो बिल्डिंग में कॉन्क्रीट डालने का काम कर सके, जिसमें वो सब चीजें फोन पर उसे समझाएगा ये बोलता है। और वहाँ डोनाल्ड उसे बोलता है कि कल 10 ट्रक आ रहे हैं और ये काम काफी बड़ा है और वो ये नहीं कर सकता। तब इवान को वो वापिस आने कहता है, जिसमें इवान मना कर देता है और वो बोलता है कि उसे कहीं पहुंचना है। और वहाँ डोनाल्ड बोलता है कि ये काम उसके बस का नहीं है। और वहाँ इवान बताता है कि ये चीज काफी सिंपल है, जिसमें उसने पहले भी छोटे काम किए, बस ये काफी बड़ा है। और वो गैरेज से इस बारे में बात कर लेगा ये बोलता है। तब डोनाल्ड डर जाता है और तब इवान उसे कुछ भी करके ये करने कहता है और उसकी मदद मांगता है। और फिर वो उसे जाकर पंप को चेक करके फोन करने कहता है। और फिर इवान को बेथन का फोन आता है, तब वो बोलती है कि वो हॉस्पिटल पहुंच गई है और उसे ठंड लग रही है। तब इवान उसे पास में से किसी को बुलाकर खिड़की को बंद कर देने कहता है और वहाँ बेथन को दर्द होता है। तब इवान उसे आसपास में किसी को बुलाने कहता है और वो वहाँ क्यों आ रहा है ये बेथन पूछती है, जिसमें वो बताता है कि वो बच्चे का बाप बनने वाला है। और उसने ये चीज अपनी पत्नी कैटरीना को बताया कि नहीं, ये बेथन पूछती है। तब इवान बताता है कि वो उसे अभी बताने वाला है। और वहाँ बेथन उसे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार करता है, जिसमें इवान बोलता है कि ये चीज ऐसे ही वो पूछ रही है। तब बेथन फोन कट कर देती है और फिर इवान कैटरीना को फोन लगाता है और उसकी बात होती है। तब वो बताती है कि वो गेम की तैयारी कर रही है और उसने खाना बना लिया है और वो टी शर्ट पहनकर रेडी है। तब इवान बताता है कि वो घर पर नहीं आ रहा है और फिर उसे कुछ बताना है ये बोलता है और वो कैटरीना को ऊपर जाने कहता है, जिसमें कैटरीना ऊपर आती है। और वो कैटरीना को ऊपर जाने पर उसे बताता है कि लास्ट ईयर वो कुछ दिनों के लिए कैलिफोर्निया गया था, जिसमें वो वहाँ पर काम से गया था और वहाँ उसे एक असिस्टेंट मिले थे जिसका नाम बेथन था। और काम खत्म होने के बाद वो लोग पार्टी कर रहे थे और उसके असिस्टेंट 43 ईयर्स के आसपास की थी और वो काफ़ी ज़्यादा अकेले थी। और फिर दोनों एक कमरे में साथ में थे और दोनों ड्रिंक कर रहे थे और वहीं पर वो भी अकेला फील कर रहा था। और इसी बीच उनके बीच में कुछ हुआ था और 15 सालों में उससे एक ही भूल हुई है और अब उसकी असिस्टेंट आज माँ बनने वाली है। और ये सुनते ही कैटरीना फोन कट कर देती है और फिर इवान सोचने लगता है। कुछ देर के बाद इवान को गैरेज का फोन आता है, तब इवान उसे बताता है कि वो कल नहीं आ पाएगा क्योंकि वो बाप बनने वाला है और इसलिए वो उस जगह पर जा रहा है। तब गैरेज उसे कल के लिए गुड लक बोलता है, पर कल का कॉन्क्रीट लंदन का सबसे बड़ा कॉन्क्रीट का काम है ये वो बताता है। तब इवान बताता है कि ये काम वो डोनाल्ड के साथ करवाएगा। तब गैरेज भड़क जाता है और वो बोलता है कि ये डोनाल्ड नहीं कर सकता। और वहाँ इवान बोलता है कि वो ये कर लेगा, जिसमें वो उसकी पूरी मदद करेगा। और वहाँ गैरेज बताता है कि वो इस काम के चलते निकाला भी जा सकता है। और वहाँ इवान बताता है कि ये चीज़ उसे पता है, लेकिन अपने बच्चे की माँ के पास उसका जाना जरूरी है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अकेली है। तब गैरेज भड़क जाता है और वहाँ इवान बताता है कि वो सब चीज़ें सही करना चाहता है और वो अब वहाँ ही जाएगा। तब गैरेज उसे बोलता है कि कॉन्क्रीट के एक गलती में $00,000 का नुकसान हो सकता है और ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तब इवान बताता है कि ये सब चीज़ें उसे पता है और वहाँ गैरेज उसे निकाल देने की धमकी देता है। और वहाँ इवान पीछे की सीट पर देखता है और फ़ोन कट कर देता है। असल में इवान के पिता ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, इसलिए वो उनकी तरह अपने बच्चे को नहीं रखना चाहता। और अब इवान को ऐसा लगता है कि उसके पिता उसके पीछे की सीट पर बैठे हैं। तब वो उन्हें बोल
बोलते हैं कि वो एक अच्छा बाप बनकर दिखाएगा और कुछ भी हो जाए उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और वो पीछे बैठकर उन्हें ये सभी चीजें देखने कहता है। साथ ही वो एक काफी बुरे पिता थे ये वो बताता है, और फिर वो आगे बढ़ता है। और फिर इवान को डोनाल्ड का फोन आता है और वो बताता है कि उसने पंप चेक कर लिया और वो ठीक है। तब इवान बताता है कि क्या उसने सब खुद ही चेक किया। तब डोनाल्ड बताता है कि नहीं, उसने दूसरों से करवाया। तब वहाँ इवान उसे खुद जाकर चेक करने कहता है क्योंकि ये चीज में वो दूसरों पर भरोसा नहीं कर सकता। साथ ही वो उसे गैरेज का फोन नहीं उठाने कहता है, और वो सुबह कंपनी में फोन करके C6 मंगवाने कहता है। तब डोनाल्ड हाँ बोलता है, और वहाँ इवान बताता है कि शायद गैरेज उसे निकाल देगा। और फिर वो उसे C6 की कंपनी में फोन लगाकर उसके ट्रक्स के बारे में पता करके फोन करने कहता है। और फिर इवान बेथान को फोन लगाता है जिसमें वो बताती है कि वो ठीक है, लेकिन उसे पेन होना शुरू हो गया है और वहाँ पर अभी तक कोई नहीं आया। और वहाँ इवान बताता है कि वो 1.5 घंटे में वहाँ पर आ जाएगा। और वहाँ बेथान बताती है कि वो उससे नफरत करता है। तब इवान बताता है कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार सेक्स किया है, असल में वो उससे प्यार भी नहीं करता और वो झूठ बोलना नहीं चाहता, और साथ ही उससे थोड़ा काम है और वो उसे फिर से कॉल करेगा ये बोलता है। और फिर इवान आगे बढ़ता है। और फिर इवान गैरेज को फोन लगाता है जिसमें वो बताता है कि उसने मेन ऑफिस में बात की और वो उसे निकाल रहे हैं, जिसमें गैरेज ने बोला था कि उसने 10 सालों से काफी ज्यादा बेहतरीन काम किया है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि इवान लंदन के सबसे बड़े कंक्रीट का काम एंड टाइम पर छोड़ रहे हैं, इसलिए वो लोग उसे निकाल रहे हैं। तब इवान बोलता है कि चलेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन वो सुबह कंक्रीट का काम में फिर भी उनकी मदद करेगा। तब गैरेज उसे इन चीजों को छोड़ देने कहता है, और वहां इवान बताता है कि उसे पैसे या जॉब वापस नहीं चाहिए, सिर्फ वो अपना काम खत्म करना चाहता है। और वहां गैरेज उसे कुछ भी नहीं करने कहता। तब वहाँ इवान फोन कट कर देता है। और फिर इवान को घर से फोन आता है, तब उसकी बात कैटरीना से होती है और वो बताती है कि वो झूठ बोल रहा है। और वहाँ इवान बताता है कि ये चीजें वो प्रैक्टिकली सॉल्व करना चाहता है। और वहाँ कैटरीना रोती है, और वहाँ इवान बताता है कि उसे बेथान ने बोला कि वो बेबी रख रही है जिसमें वो काफी अकेली है, और वो इस बच्चे को अपनी खुशी का आखिरी मौका समझ रही है। और इवान अपने बच्चे को ऐसे बिना बाप के नहीं देख सकता, और इसलिए वो शिकागो जा रहा है और वो उसे अपना नाम जरूर देगा। तब कैटरीना उसे वापस घर आने कहती है, और वहाँ इवान मना करता है, और वहाँ कैटरीना फोन कट कर देती है। और फिर इवान को डोनाल्ड का फोन आता है और वो पूछता है कि कंक्रीट में उन्हें C6 चाहिए, लेकिन उनके पास एक ट्रक में C5 है, तो क्या वो चलेगा। और वहाँ इवान बोलता है कि सब जगह पर C6 लिखा है क्योंकि जब बिल्डिंग बनेगी तब वो काफी बड़ी और भारी होगी, और उसमें अगर नीचे जरा सा भी C6 की जगह पर C5 होगा तो उसमें क्रैक आ जाएगा, और उसके चलते वो पूरी बिल्डिंग वहीं पर गिर सकती है, और उसे कोई भी हालत में C6 ही यूज करना होगा। और फिर इवान को घर से टॉम का फोन आता है और वो बताता है उसकी माँ बेडरूम में जाकर रो रही है। तब इवान बताता है कि सब ठीक है, और वो घर पर आकर उन दोनों भाइयों को सब चीजें बता देगा। और फिर इवान आगे बढ़ता है और वो थोड़ा सा दुखी भी होता है। और फिर इवान की बात बेथान के फोन से नर्स से होती है, और वो बताती है कि बेथान काफी ज्यादा परेशान है। तब इवान वहां पर आ रहा है ये बताता है, और वहां नर्स बताती है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है और बच्चे के गले में उसके कॉर्ड फंस चुकी है। तब इवान बोलता है कि तो बच्चे को काफी सेफ तरीके से बाहर निकालने की कोशिश करो, और वो जल्द से जल्द वहां पर आ रहा है। और वहां नर्स बताती कि उसे जल्दी आना होगा क्योंकि इस हालत में बेथान के साथ किसी का रहना काफी जरूरी है, और वो काफी इमोशनल है। तब इवान हाँ बोलता है और वो ड्राइव कर ही रहा है ये बोलता है और आगे बढ़ता है। और फिर इवान डोनाल्ड को फोन लगाता है, और वहाँ डोनाल्ड उसे बताता है कि उसने सब पंप को चेक कर लिया और उसने C6 भी मंगवा लिया है। और फिर इवान डोनाल्ड को पेन लेने कहता है, और फिर वो उसे एक फाइल ढूंढने उसके ऑफिस में कहता है, और उस फाइल में सुबह कॉन्क्रीट साइट पर भरने की सब चीजें लिखी होती है। और वहाँ डोनाल्ड उसे ढूंढता है लेकिन वो उसे नहीं मिलती, और फिर इवान देखता है कि वो फाइल उसकी में ही होती है। तब वो थोड़ा सा नाराज होता है, और फिर वो बोलता है कि वो उसे सब बता देगा, और फिर वो उसका फोन कट करता है और आगे बढ़ता है। और फिर उसकी बात कैटरीना से होती है जिसमें वो भटकी हुई होती है, और इवान किसी भी लड़कियों के साथ रहने वाला एक घटिया इंसान है ये वो बोलती है, जिसमें इवान बताता है कि उसने सिर्फ गलती एक ही बार की है और वो उसके लिए माफी मांगता है, और वो घटिया इंसान है ये चीज वो मान भी लेता है। और वहां कैटरीना बोलती है कि वो बेथान का बेबी किसी का भी हो सकता है, वो कई लोगों के साथ रही होगी। और वहां इवान बताता है कि वो वैसी लड़की नहीं है। तब कैटरीना रोने लगती है और वो बोलती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसके घर में किसी ने चोरी की है। और वहाँ इवान उसे प्रैक्टिकली बात करने कहता है, और वहाँ कैटरीना फोन कट कर देती है। और फिर इवान की बात डोनाल्ड से होती है, और वहाँ इवान फाइल निकालता है और उसमें से सब लिखी हुई चीजें उसे समझाता है, जिसमें डोनाल्ड हंसता है। और वहाँ इवान समझ जाता है कि उसने दारू पी है, और फिर वो उसे सब चीजें लिखवाना शुरू करता है। और अंत में वो उसे ट्रैफिक वालों को 5 बजे रोड बंद करवाने के बारे में लिखवाता है, जिसमें वो बंद करवाने वाले रोड की जानकारी देता है। और अंत में वो उसे बोलता है कि अगर उसने नशे में
कुछ गड़बड़ की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब डोनाल्ड उसे बोलता है कि उसे गैरेथ बार बार फोन कर रहा है और वो उसे इग्नोर कर रहा है, और इस चीज से इवान के साथ साथ उसकी नौकरी भी खतरे में आ सकती है, और वो इवान के साथ मिलकर अनऑफिशियली ये काम कर रहा है और वो उसे धमकाने नहीं कहता है। तब इवान बोलता है कि मतलब वो नशे में, ये बात श्योर है, और वो उसे कुछ खाने कहता है। और वहाँ डोनाल्ड बताता है कि वो पुलिस वालों से रोड बंद करवाने की बात करने जा रहा है, और ये बोलकर वो फोन कट कर देता है। तब इवान भड़क जाता है और फिर उसकी बात बेथान से होती है और वो बोलती है कि उसे डर लग रहा है। और वहाँ इवान बोलता है कि वो उस जगह की सबसे बेस्ट हॉस्पिटल में है और वो 45 मिनट में वहीं पर आ जाएगा। और वहाँ बेथान बोलती है कि उसे समझ नहीं रहा कि वो उसकी परवाह करता है कि नहीं, क्योंकि नर्स ने उसे बताया कि वो उसकी परवाह कर रहा है, इसलिए वो इतने दूर से वहाँ पर आ रहा है। और वहाँ इवान बोलता है कि वो उसके लिए और उसकी बेबी की परवाह करता है। और वहाँ बेथान बताती है कि उसकी उम्र काफी ज्यादा है और इसी वजह से वो पुश नहीं कर सकते, इसलिए डॉक्टर उसे सी सेक्शन करवाने कह रहा है। तब इवान बोलता है कि वो जो डॉक्टर कर रहा है वो सही कर रहा है। और फिर बेथान फोन कट कर देती है और फिर इवान अपने पिता से बात करता है और वो बताता है कि सिचुएशन कितनी भी बुरी हो लेकिन वो ठीक कर सकते हैं, जिसमें उन्होंने इस चीज को ठीक नहीं किया था और उन्होंने उसे छोड़ दिया था और वो खुश थे। और फिर 13 साल की उम्र में वो उनके पास मिले थे और उन्होंने उससे माफी मांगी थी, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसके बाद उसे कभी मिले ही नहीं। और वहाँ इवान को कैटरीना का फोन आता है जिसमें टॉम मैच देखकर खुश होता है, ये वो बताता है, और वो जीत रहे ये बोलता है। और वहाँ इवान उसकी माँ के बारे में पूछता है जिसमें वो बताता है कि वो बेडरूम में है। और फिर इवान फोन कट कर देता है और फिर वो फाइल को देखता है जिसमें उसे डेविड का नंबर मिलता है जो कि ऑफिसर होता है और वही रोड को बंद करवाने वाला होता है। और फिर इवान उसे फोन लगाता है और वहाँ डेविड बताता है कि वो कल रोड बंद करवाने वाला है लेकिन कुछ ऑफिसर्स नहीं आए तो वो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तब इवान भड़क जाता है क्योंकि कॉन्क्रीट में उसे उसकी मदद चाहिए होगी और उन्होंने इस चीज की बात की थी। और वो डेविड को दूसरे ऑफिसर्स को फोन करके बुलाने कहता है और वो फोन कट कर देता है। कुछ देर के बाद इवान को डोनाल्ड का फोन आता है और वो बताता है कि ऑफिसर्स रोड बंद करवाने वाले काम में मदद करने से मना कर रहे हैं, जिस पे इवान बताता है कि ये चीज उसे पता है। और फिर डोनाल्ड बताता है कि उसे एक आदमी का फोन आया था और वो बता रहा था कि एक पंप में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। तब इवान उसे खुद जाकर ठीक करने कहता है। तब डोनाल्ड फोन कट कर देता है और फिर इवान अपने बेटे क्रिस को फोन लगाता है जो कि मैच देख रहा होता है। तब इवान उसे बेडरूम में जाकर उसके पेंट में से डायरी निकालकर कैसिडी नाम के एक आदमी का फोन नंबर देने कहता है। तब क्रिस हाँ बोलता है और वो उसकी माँ काफी रो रही है ये बताता है। तब इवान बोलता है कि वो घर आकर उसे सब समझा देगा। और फिर इवान की बात बेथान के डॉक्टर से होती है और वो कोर्ट के बारे में बताता है। तब इवान बताता है कि वो बच्चे का पिता है और वो डॉक्टर उसे आगे सी सेक्शन करने के लिए कहता है, लेकिन बेथान उसके आने का वेट कर रही है ये वो बताता है। तब इवान बोलता है कि उसे आने में टाइम लगेगा और वो लोग ऑपरेशन को शुरू कर सकते हैं। फिर डॉक्टर हाँ बोलता है और फिर बेथान से बात करवाता है और वहाँ इवान बताता है कि वो जल्दी आ रहा है, जिसमें बेथान चिल्लाती है और फिर वो बोलती है कि उन्होंने एक रात साथ में बिताई थी और अब वो उससे प्यार करने लगी है। और वहाँ इवान बोलते हैं कि उसे पहले बेबी को निकलवा होगा। तब बेथान उसे आई लव यू बोलने कहती है, जिसमें इवान झूठ नहीं बोल सकता ये बोलता है और वो वहां पर जल्दी आ रहा है ये बोलकर फोन कट करता है। और फिर वो आगे बढ़ते हैं और फिर उसे कैटरीना का फोन आता है और वो बोलती है कि क्या उसे कैसिडी का नंबर चाहिए, जिसमें इवान हाँ बोलता है और वो बताता है कि कल उसका कॉन्क्रीट का काफी बड़ा काम है और वो अर्जेंट है। तब कैटरीना बोलती है कि उसे उसके परिवार की परवाह नहीं है और ना ही बेथान की, वो सिर्फ अपने काम के पीछे पड़ा है और वो अब उसे जानती ही नहीं है ऐसा उसे लगता है, जिसमें इवान उसे आई लव यू बोलता है। और बेथान और वो उसका बच्चा उसकी गलती है और वो उस गलती को ठीक करने जा रहा है ये बोलता है। और फिर वो घर पर आकर सबसे बात करेगा ये बोलता है। और वहाँ कैटरीना उसे कैसिडी का नंबर फिर भी चाहिए कि नहीं ये पूछती है, जिसमें इवान हाँ बोलता है और फिर कैटरीना फोन कट कर देती है। तब इवान आगे बढ़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। और फिर उसके बाद डोनाल्ड से होती है और वो बोलता है कि उसने पंप का काम कर लिया और अब उसे कैसिडी को फ़ोन लगाना है और वहाँ उसके पास उसका नंबर होता है। तब इवान इस चीज़ से खुश हो जाता है और वो उसे उसका नंबर देने का है। और फिर इवान उसका नंबर याद कर लेता है और फिर इवान डायरेक्ट कैसिडी को फोन लगाता है और वो सोया होता है। तब इवान को वो याद नहीं कर पाता। तब इवान उसे याद दिलाता है कि वो कॉन्क्रीट का चीफ ऑफिसर है और वहाँ कैसिडी उससे बात नहीं करना चाहता। तब इवान बताता है कि ये इमरजेंसी है और फिर वो उसे डेविड से बात कर रोड को बंद करवाने के बारे में बोलता है और वहाँ कैसिडी हाँ बोलता है और फोन कट कर देता है। और फिर इवान को डोनाल्ड का फोन आता है और वो बताता है कि डेविड ने बोला है कि वो लोग ये काम नहीं कर सकते और वो उनके ऑफिस में से किसी से बात नहीं
नहीं हो रही। तब इवान कंफ्यूज होता है और फिर वो बिल्डिंग के पास के रोड के नीचे के एक गैंग के लीडर रॉबर्ट से मिलने कहता है और वो उसे $2,000 देने कहता है और रोड को ब्लॉक करवाने का काम करने कहता है और वो उसका नाम भी बताने कहता है, जिसमें डोनाल्ड हाँ बोलता है। इवान उसे बताता है कि उसे जल्दी निकलना होगा। तब डोनाल्ड बताता है कि वो नशे में गाड़ी नहीं चला सकता। तब इवान उसे भाग कर जाने कहता है, जिसमें वो उसे जल्दी पहुंचा तो ही इसका काम होगा ये वो बताता है। साथ ही वो गाड़ी से भी ज्यादा स्पीड में भाग सकता है और भाग कर वो हवा में उड़ सकता है, ये बोलकर वो उसे मोटिवेट करता है। साथ ही ये कॉन्क्रीट का काम उसी के चलते ही होगा ये वो बोलता है। तब डोनाल्ड हंसता है और वहां से भाग कर निकलता है और फिर इवान फोन कट कर देता है और सब चीजें प्लान के हिसाब से हो रही है ये बोलता है। और फिर वो बेथान को फोन लगाता है और वो फोन नहीं उठाती। तब इवान उसे मैसेज भेजता है और वो बोलता है कि ये बच्चा उनकी जिंदगी बदल देगा और वो उसे गुड लक बोलता है। और फिर इवान अपने पिता को बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसका बच्चा उनसे नफरत करे या प्यार करे, लेकिन वो उसके साथ रहेगा। और वो अपने पिता को उनसे सीखने कहता है और आगे बढ़ता है। और फिर इवान को घर से फोन आता है। तब टॉम बताता है कि वो लोग जीत गए। तब इवान खुश होता है और फिर टॉम पूछता है कि सब ठीक है कि नहीं, जिसमें इवान हाँ बोलता है। और फिर टॉम बताता है कि उसकी माँ बर्तन तोड़ रही है। तब इवान बताता है कि वो घर पर आकर क्रिस और उसे सब चीजें समझा देगा, जिसमें उसकी मम्मी थोड़ी सी परेशान है और वो कल सुबह तक आ जाएगा। वो क्रिस को भी सब ठीक है ये समझाने कहता है, जिसमें टॉम हाँ बोलता है। और फिर इवान उन्हें सोने कहता है और वो रोने लगता है। और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ इवान की बात डोनाल्ड से होती है, जिसमें वो काफी ज्यादा हाफरा होता है और वो बताता है कि उसकी बात रोबोट से हुई है। और वहाँ इवान उसे पैसे देने कहता है, जिसमें डोनाल्ड उसे पैसे देता है। और फिर इवान फोन कट कर देता है और वो बोलता है कि रोबोट काफी अच्छा आदमी है और वो रोड का ब्लॉक का काम कर देगा और कॉन्क्रीट सही से हो जाएगा। दूसरी तरफ बेथान का बच्चा भी पैदा होगा और कल की सुबह उनके लिए काफी अच्छी सुबह होगी। और वहाँ उसे डोनाल्ड का फोन आता है और वो बोलता है कि रोबोट मान गया है और वो सब कर लेगा। तब इवान हाँ बोलता है और फिर वो उसे थोड़ा आराम करने कहता है, जिसमें डोनाल्ड बताता है कि उसे रात को नींद नहीं आएगी। और फिर वो फोन को कट कर देता है। और फिर इवान को कटरीना का फोन आता है और वो बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया, जिसमें उसने उसकी बहनों से बात की और अब सब चीजें ठीक नहीं हो सकती। और वहाँ इवान माफी मांगता है और वहाँ कैटरीना उसे घर पर कभी भी वापिस नहीं आने कहती है। तब इवान दुखी होता है और वहाँ कैटरीना फोन कट कर देती है। और फिर इवान शिकागो पहुंचता है और आगे बढ़ता है। और फिर उसकी बात गैराज से होती है और वो बोलता है कि उसने उसकी जगह पर एक नया चीफ रख लिया। और वहाँ इवान बोलता है कि उसने सब चीजें संभाल ली है और डोनाल्ड कल सुबह सब संभाल लेगा। और वहाँ गैरेथ बताता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तब इवान बताता है कि 2 घंटों पहले वो जब काम से निकला था, तब उसके पास नौकरी और परिवार दोनों था और अब उसके पास कुछ भी नहीं है। और वहाँ गैरेथ बताता है कि उसका शिकागो जाना एक गलती थी, जिसमें इवान बताता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। और फिर वो फोन कट करके आगे बढ़ता है। और फिर इवान को क्रिस का मैसेज आता है और वो मैच के बारे में बताता है और इवान उसकी पूरी बात सुनता है और वो इमोशनल हो जाता है। और फिर वो उसकी माँ के बारे में बताता है, जिसमें उसने भी मैच नहीं देखा होता और क्रिस ने मैच को रिकॉर्ड किया है, जिससे वो लोग घर पर आकर फिर से मैच देखेंगे और वो लोग पहली बार मैच देख रहे हैं ऐसा एक्टिंग करेंगे ये वो बोलता है। और अपने पिता को जल्दी घर पर आने कहकर वो फोन कट कर देता है। और फिर इवान बेथान को फोन लगाता है और वहाँ उसकी डिलीवरी हो चुकी होती है और वो फोन उठाती है। तब इवान गाड़ी रोकता है और उसे पूछता है कि क्या सब ठीक है, जिसमें बेथान उसे बच्चे की आवाज सुनाती है। तब इवान काफी ज्यादा शांत होता है और उसकी जिंदगी की चल रही सारी परेशानियों को वो भूल जाता है और वहाँ से हॉस्पिटल की ओर आगे बढ़ता है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1,000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है FreshMojoIndia।